देखिए, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और हिंदू समाज पर कलंक के तरीके से था कि एक देश के हिंदू मुख्यमंत्री ने ही हिंदुओं के इस आंदोलन में कार्यसेवकों के पर गोलियां चलवाई थी। उस विषय को हम लोग जब देखते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं और याद करते हैं तो आंखें नम होती हैं। वो परिवार जो शहीद हो गए उन सब के लिए विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो। जिसके लिए उन्होंने अपने प्राण दिए वो काम अब पूरा होना चाहिए। धीरज जी, ये जितने भी दल जात पात की, संप्रदाय की, धर्म की, राजनीति की रोटियां सेकते थे, उनके लिए अब मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी के सबके साथ सबके विकास का जो संकल्प है और जो भेदभाव रहित जो उनकी नीतियां हैं, उससे ये जात पात की राजनीति का और टुकड़े टुकड़े की राजनीति की रोटियां सेकने वाले लोगों का कि पूरी दुकानें जनता ने बंद कर दी। यही मुश्किल है कि ये लोग जो जात पात की और धर्म संप्रदाय की राजनीति की रोटियां सेकते थे, वो सब खामोश हैं, क्योंकि उनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि जनता ने उनको पूरी तरह से इसीलिए बर्खास्त किया कि लंबे समय से वे ये लोग केवल राजनीति की रोटियां सेक करके समाज को बांटने का काम कर रहे थे, और सत्ता के लोभ में ये जो देश के साथ, प्रदेश के साथ, जो विकास के साथ और लोगों की खुशहाली के साथ जो छल कर रहे थे, वो जनता ने समझ लिया है, इसलिए ये सब चुप्पी साधे हुए हैं। तो भगवान राम तो पूरे देश के नहीं, पूरे विश्व के आराध्य हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सवाल है, उन्होंने पिछले, मैं 25-30 साल से देख रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ जनता को छलने के अलावा और कुछ नहीं किया है। और ये बड़े दुख का विषय है कि जब जब चुनाव पास आते हैं तब तक भगवान राम को लेकर राजनीति और सरगर्मियाँ बढ़ जाती हैं। ये भारत की जनता भली भांति जानती है और देख भी चुकी है, एक बार नहीं कई बार, कि कैसे भगवान राम के नाम पर उनको छला गया है। और वही काम इस बार फिर हो रहा है, लेकिन जनता जान चुकी है भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को। अब जनता भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों में आने वाली नहीं है, और किसी कीमत पे, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में और देश में अपने वादों को करके मुकरी है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी 2019 में सरकार बनाने वाली है। राम मंदिर आंदोलन के समय समाजवादी पार्टी की सरकार ने कार्यसेवकों पर गोलियां चलवाई थी। अब करीब ढाई दशक बाद जब एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा गरमाया हुआ है, अयोध्या में धर्म सभा का आयोजन किया गया है, वैसे समय समाजवादी पार्टी या फिर मुलायम सिंह यादव की खामोशी अपने आप में तमाम मायने रखती है। धीरज त्रिपाठी, ईटीवी, लखनऊ।